जल बचाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है, जबकि नेचर ने हमें दिखाया है कि प्रकृति हमारी भूख मिटा सकती है, हमारा लालच नहीं मिटा सकती। हमने जो एजुकेशन होने के बावजूद भी जो प्रकृति से जो छेड़छाड़ इंसान ने की है उसी का ये भुगत रहे हैं सभी लोग, भुगतान कर रहे हैं। मैंने अपने नाटक के माध्यम से भी कहा है कि जब आजकल हम सभी लोग मुँह छिपा कर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हमने बहुत भयंकर गलती की है। आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाना, उनके लिए स्वच्छ ऑक्सीजन की व्यवस्था करना हम सभी का फर्ज बनता है, लेकिन हो नहीं रहा है। COVID-19 ने बता दिया है लोगों को कि प्रकृति जो नेचर है वो सबसे बड़ी है, वो सबकी माँ है, लेकिन हम अपनी माँ से ही नहीं प्यार कर रहे। हम लोग जात गोत धर्म नस्ल इन चीज़ों में बटे हुए हैं आज भी। आई एम सॉरी, एजुकेटेड पर्संस भी इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। और हमने अपने नाटक के माध्यम से यही चीज़ें, यही संदेश हम लोग नाटक के माध्यम से लेकर गए हैं। तो इसीलिए हमारा यही प्रयास था कि हम आम आवाम से बात करें, पूरे हरियाणा में जाएं और ये बात करें कि हमारी क्या भूमिका है। नमस्कार, आज उचाना में हैं हम, करनाल ज़िला का गांव है, और रिदम रंग यात्रा का आज यहां पे औपचारिक रूप से समापन हो रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे आओ मनाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव। एक पूरी रंग यात्रा लेकर के हमारे मित्र रंगकर्मी अजय शर्मा जी ये निकले थे पूरी टीम के साथ में, और 11 दिन की यात्रा रंग से भरी, नाटक से भरी, सामाजिक संदेश से भरी, कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका उनको लेकर के अवेयरनेस से भरी, और तरह तरह की चर्चाएं इस रंग यात्रा के दौरान हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय शर्मा हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अजय जी, आपका थैंक यू सर। और जानना चाहेंगे, वैसे तो आपका अनुभव बहुत पुराना, बचपन से आप थिएटर कर रहे हैं, जननाट्य मंच से आपका जुड़ाव रहा, थिएटर में आपने एजुकेशन प्राप्त की, और तरह तरह से आप शिक्षा विभाग के साथ आपका संबंध, और बहुत बड़ा अनुभव है आपका, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। लेकिन रिदम रंग यात्रा के बारे में आपसे इसका परिचय एक तरीके से जानना चाहेंगे, और अनुभव क्या अनुभव रहे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल ये यात्रा हमने 5 अगस्त से शुरू की, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से के सहयोग से, हरियाणा कला परिषद के सहयोग से, हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी और सभी जिला रेड क्रॉस शाखाओं के सहयोग से ये यात्रा जो है कि सफल हो पाई है। इसकी शुरुआत हमने सोनीपत के जाटीकला गांव से की, जो पहली प्रस्तुति थी 5 अगस्त को। एक दिन में हमने 2 जिलों को कवर किया जी। सोनीपत से शुरुआत के बाद फिर रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल और वो सारा बहादुरगढ़, और ये सारी पूरी बेल्ट करते हुए उसके बाद फिर सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, हिसार, वो कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला, ये सब पूरी पानीपत से होते हुए आज लोग हम करनाल में इसका समापन कर रहे हैं। तो 11 दिन सभी जिले कवर जी सभी जिले कवर हुए हैं इसमें, क्योंकि हमने उसी तरीके से इसे डिज़ाइन किया था कि हमारे पास समय बहुत कम था एक्चुअली, और कहीं से उस तरीके से हमें सीधा सीधा बजट का भी कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन हमें करना ही था क्योंकि कोरोना काल में कलाकार की क्या भूमिका है। कोरोना ने बहुत से लोगों को बहुत हद तक प्रभावित किया है जी, बिल्कुल। कई लोगों के काम धंधे छूट गए, कई लोगों के परिवार से उनके अजीज चले गए, और कोरोना को लेकर बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां भी हैं, वैक्सीनेशन करवाएं ना करवाएं, बीमारी है नहीं है, स्कैंडल है क्या है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जी, जी। उसके बाद फिर वृक्षारोपण के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जल बचाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है, जबकि नेचर ने हमें दिखाया है कि प्रकृति हमारी भूख मिटा सकती है, हमारा लालच नहीं मिटा सकती। हमने जो एजुकेशन होने के बावजूद भी जो प्रकृति से जो छेड़छाड़ इंसान ने की है उसी का ये भुगत रहे हैं सभी लोग, भुगतान कर रहे हैं। मैंने अपने नाटक के माध्यम से भी कहा है कि जब आजकल हम सभी लोग मुँह छिपा कर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हमने बहुत भयंकर गलती की है। आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाना, उनके लिए स्वच्छ ऑक्सीजन की व्यवस्था करना हम सभी का फर्ज बनता है, लेकिन हो नहीं रहा है। COVID-19 ने बता दिया है लोगों को कि प्रकृति जो नेचर है वो सबसे बड़ी है, वो सबकी माँ है, लेकिन हम अपनी माँ से ही नहीं प्यार कर रहे। हम लोग जात गोत धर्म नस्ल इन चीज़ों में बटे हुए हैं आज भी।
एजुकेटेड पर्सन्स भी इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, और हमने अपने नाटक के माध्यम से यही चीज़ें, यही संदेश हम लोग नाटक के माध्यम से लेकर गए हैं कि भैया जेंडर का मामला नहीं है, लड़का लड़की नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या है, ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है, ये कलर लड़कों का है, ये कलर लड़कियों का है, ये काम फलां जाति का है, ये फलां जाति का है, तुम्हारा ये धर्म है, मेरा ये धर्म है, इन चीज़ों में हम स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विद दैट थिंग्स। तो इसीलिए हमारा यही प्रयास था कि हम आम आवाम से बात करें, पूरे हरियाणा में जाएं और ये बात करें कि हमारी क्या भूमिका है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये यात्रा हमने की जी जी। और रेड क्रॉस सोसाइटी ने हमें सहयोग दिया, उन्हीं के सहयोग से हम लोगों ने सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए, मास्क बांटे, जगह जगह साबुन वितरित की और वृक्षारोपण किया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। बहुत से ठीक है, कई लोग अलग तरह का नेचर होता है, कई बार कोऑपरेटिव नहीं भी होते हैं लोग, लेकिन बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। फिर भी जैसा आपने मतलब संकेत किया है कि कोरोना के बाद एक तरह से मूवमेंट शुरू हुआ है, और उस समय आपने जो रंगकर्म की, आर्टिस्ट की जो जिम्मेदारी है उसको समझते हुए आप गए हैं लोगों के बीच में, और लोगों की के अंदर एक तरह से अभी हलचल शुरू हुई है या कुछ संस्थान खुलने शुरू हुए हैं, तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिली, थोड़ा सा इसके बारे में भी मतलब अच्छा, बताएं। बहुत बहुत अच्छा। लोग भयभीत भी थे क्या शामिल होने के प्रति, या क्या था, किस तरीके? हाँ, इस ऐसे कुछ तरह के सवाल आए कि सर कोविड का टाइम है, कहीं हम कुछ लेना आए, मतलब बीमारी ना आ जाए, कुछ इस तरीके से चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम का वैक्सीनेशन करवाया सर, कोविड की फर्स्ट डोज सबको लगवाई मैंने, और क्योंकि हम लोग रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं, मैं 2010 से लगभग 10-15 वर्ष से मैं रेड क्रॉस से कुरुक्षेत्र के साथ एसोसिएटेड हूँ, फर्स्ट एड होम नर्सिंग लेक्चरर के रूप में। अच्छा। और हरियाणा राज्य जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उनकी तरफ से हमें स्टेट अवार्ड भी मिला है कोविड 19 में सेवाओं के लिए। हमारी संस्थाओं के 3-4 लोगों को मिला है अवार्ड, वो मोहित को मिला है, दर्शन को मिला है, हमें मिला है। तो उसी वजह से एक हम हौसला भी कर पाए कि ये ज़रूरी है, और कलाकार तो हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है जी, बिल्कुल। वो हमेशा कला को माध्यम से लोगों को कुछ देना चाहता है, लेकिन ख़ासतौर से यदि हम लोग कलाकारों की बात करें तो वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस लॉकडाउन में, और कला की कद्र बहुत कम हो गई है। आई एम सॉरी, आज भी लोग कलाकार को सोचते हैं कि ये तो डूम है, नीची जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोगों का काम है, जबकि काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। और कलाकार कहीं ना कहीं दूसरे काम करने के लिए मजबूर हो गया है जी, जी, जी। पलायन कर रहे हैं, ढोलक बजाने वाले लोगों ने कुछ दिहाड़ी कर रहे हैं, संकट के दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, नाट्यकर्मियों के पास पैसा नहीं है, रंगकर्मियों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास प्रोजेक्ट नहीं है, लोग डर रहे हैं ऑडिटोरियम देने के लिए, कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, है ना, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। इनके बावजूद भी हम लोग चले और हमने मोटिवेट किया बेसिकली। अगर आप किसी को, आप ऐसे ही जर्नली आप किसी को बात कहें, कोई नहीं सुनता किसी की बात सर। सही, सही। लेक्चर मोड में 2 मिनट बाद लोग उठ के चले जाना शुरू होते हैं, लेकिन नाटक के माध्यम से लोग जुड़ाव होता है, नाटक के माध्यम से लोगों में लोग देखना पसंद करते हैं। हालांकि बहुत जगह ऐसा भी रहा कि ऑडियंस को बुलाना पड़ता है, कई जगह डांस के प्रोग्राम में लोग आ जाते हैं, लेकिन नाटक को लेकर एक समझ जो है वो लोगों की बहुत कम है। दूसरा, हमारे हरियाणा राज्य का एक दुर्भाग्य मैं कहूँगा, यहाँ पर नाट्य विद्यालय, नाट्य इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही, सही। जबकि हरियाणा से बहुत बड़े बड़े एक्टर निकले हैं, चाहे वो NSD से पास आउट होने के बाद वहाँ गए हों, चाहे वो इंडियन थिएटर से पास आउट होकर वहाँ गए हों, चाहे वो पटियाला थिएटर टेलीविजन से पास आउट होने के बाद गए हों, बहुत ब्रांड हैं हम कह सकते हैं। बिल्कुल, है ना, यशपाल शर्मा को आप देखिए, रणदीप हुड्डा को आप देखिए, गिरीश धमीजा हैं, पंकज बैरी हैं, और बहुत से लोग हैं, है ना। तो हमारे साथ पढ़ने वाले लोग भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर हो गए हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा हरियाणा सरकार से कि एक नाट्य संस्थान जरूर हो, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय में। और दूसरा, लोगों को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर, उन्हें फॉलो करना हम सबका फ़र्ज है। ये बीमारी है, इसे समझना पड़ेगा, ये कोई हवा या कोई उड़ी उड़ाई बात नहीं है, ये सत्य है। सही बात। तो इसे आपको समझना पड़ेगा, सरकार के आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक कलाकारों को सामने आना पड़ेगा, सोसाइटी में भी जो सामाजिक हैं जो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, कलाकारों को सपोर्ट कीजिए जी, 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 ताकि वो आम आवाम तक अपनी बात लेकर जाए, ताकि कला ना मरे, कलाकार ना मरे, लोक संस्कृति जिंदा रहे।
छोटा सा जी, प्लीज, परिचय प्लीज। जो है ना इस टीम का और बता जी। रिदम रंग मंडल बेसिकली 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो मैं चौथी जमात से नुक्कड़ नाटक करता हूँ, बहुत सी संस्थाओं के साथ हमने काम किया है, चाहे वो जन नाट्य मंच हो, ओपी जिंदल ग्रामीण जन कल्याण संस्थान हो, संस्कार भारती हो, हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया हो, ब्रेक थ्रू हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का टाइविंग हो, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ों के, पंजाब स्टेट साइंस काउंसिल के साथ हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोग लगातार हरियाणा कला परिषद के साथ हम लोग काम करते रहते हैं कंटिन्यूटी में। तो इस संस्था का रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम 2011 से हम लोग कह रहे थे कि करना है करना है। 2018 में हम लोगों ने इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाया विधिवत रूप से, और सभी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने अपने हमारे PhD होल्डर हैं मैक्सिमम लोग। अच्छा। चाहे कोई संगीत से है, चाहे कोई फाइन आर्ट से है, चाहे कोई इंग्लिश में है, सभी लोग मतलब डॉक्टरेट हैं अपने सब्जेक्ट के, और वो रिसोर्सफुल हैं। उन्होंने कहा कि हम बीड़ा उठाते हैं सोसाइटी के लिए, हमें कुछ करना चाहिए जी, जी। क्योंकि 41 वर्ष मेरी उम्र है सर, हम चाहते हैं सोसाइटी को कुछ दें, तो हम वही उस देने के लिए ही इस नाट्य संस्था का रिदम रंगमंडल का बेसिकली गठन हुआ। और हम लोग चाहते हैं कि अभी एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये 7 स्टेट के लिए हमने डिज़ाइन किया था सर। अच्छा, जिसमें हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली को हमने कवर किया था। ड्यू टू COVID-19 सम प्रॉब्लम्स आर देयर रिगार्डिंग परमिशन स्पेशली इन हिमाचल, सो दैट हमने इसे अपने हरियाणा में अभी कंसंट्रेट किया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सामाजिक के सहयोग से, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम लोग ये अमृत महोत्सव मना पाए, और रिदम रंग यात्रा एक तरह से सफल आयोजन रहा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। जी, आपने हमें समय दिया आपके चैनल के माध्यम से, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।